रवां माह टीमों की टेस्ट रैंकिंग में क्या तब्दीलियां होंगी, कौन सी टीमें तरक्की और कौन सी तंजली की जानिब जाएंगी, क्या न्यूजीलैंड भारतीय आलमी नंबर वन पोजीशन के लिए चैलेंज बन सकेगा, फरवरी 2020 टेस्ट रैंकिंग चार्ट में क्या तब्दीलियां लाएगा, तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। रवां माह यानी फरवरी 2020 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा भारत और न्यूजीलैंड जबकि बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के माबैन टेस्ट सीरीज खेली जानी है। इन सीरीज के नतायज टीमों की टेस्ट रैंकिंग पर क्या असर डाल सकते हैं, इस हवाले से खसूसी जायजा इस रिपोर्ट में पेश किया जा रहा है। फरवरी में टेस्ट सीरीज शुरू होने से कबल आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टीमों की पोजीशंस पर निगाह डालते हैं, जहां भारत 120 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर मौजूद है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 108 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है, जिसके बाद इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका तीसरे से छठे दर्जे पर मौजूद हैं, जिनके बाद पाकिस्तान 85 पॉइंट्स के साथ सातवें दर्जे पर है, जबकि वेस्ट इंडीज़ 8वें, बांग्लादेश 9वें और अफगानिस्तान 10वें दर्जे पर मौजूद हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन दो हिस्सों में खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच 7 फरवरी से रावलपिंडी में शुरू होगा, जिसके बाद दूसरा टेस्ट अप्रैल में कराची में खेला जाएगा। इस सीरीज के मुमकिन नतीजे के रैंकिंग पर असरात का जायजा लें तो पाकिस्तान के पास इस सीरीज में अपनी रैंकिंग बेहतर बनाने का कोई मौका मौजूद नहीं, हत्ता के सीरीज के दोनों टेस्ट मैचेस जीतने पर भी उसे सिर्फ 2 रेटिंग पॉइंट्स ही मिल पाएंगे, जो कि उसकी 7वीं पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए नाकाफी होंगे, जबकि सीरीज में 1-0 से फतह पाकिस्तान को 1 पॉइंट भी नहीं दिला पाएगी। दूसरी जानिब बांग्लादेश की हाथों शिकस्त पाकिस्तान के लिए बड़े घाटे का सौदा साबित हो सकती है। इस सीरीज में 0-1 के मार्जिन से शिकस्त भी पाकिस्तान से 5 रेटिंग पॉइंट्स और 1 दर्जा छीन लेगी, यानी पाकिस्तान 80 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 7वें से 8वें दर्जे पर चला जाएगा। ये फतह बांग्लादेश को 6 रेटिंग पॉइंट्स दिला देगी, मगर इससे उनकी रैंकिंग बेहतर नहीं हो पाएगी। और अगर बांग्लादेश टीम पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के दोनों टेस्ट मैचेस जीतने की अनहोनी कर दिखाती है तो तब भी उनकी रैंकिंग बेहतर नहीं होगी, मगर इस सूरत में उनका ऊपरी दर्जे पर मौजूद पाकिस्तान से रेटिंग पॉइंट्स का फासला कम हो जाएगा। सीरीज के दोनों टेस्ट मैचेस हारने का खमियाजा पाकिस्तान को 7 रेटिंग पॉइंट्स गंवाने की सूरत में भुगतना पड़ सकता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा रवां माह दूसरी अहम टेस्ट सीरीज भारत और न्यूजीलैंड के माबैन खेली जाएगी। 2 टेस्ट मैचेस की इस सीरीज से पहले भारत 120 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहले, जबकि न्यूजीलैंड 105 पॉइंट्स के साथ आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में चौथे दर्जे पर मौजूद है। इस सीरीज में महज 1-0 की कामयाबी मेजबान न्यूजीलैंड को 2 दर्जे तरक्की दिलाकर आलमी नंबर 2 टीम बना सकती है। इस तरह 2-0 की कामयाबी न्यूजीलैंड को 110 पॉइंट्स की मजबूती के साथ आलमी नंबर 2 टीम बना सकती है, जबकि भारतीय टीम 4 पॉइंट्स गंवाने के बावजूद बदस्तूर आलमी नंबर 1 ही रहेगी। दूसरी जानिब इस सीरीज में भारत की 1-0 से कामयाबी उन्हें 1 रेटिंग पॉइंट दिलाने के साथ साथ न्यूजीलैंड को 2 रेटिंग पॉइंट से महरूम करेगी, मगर इससे दोनों टीमों की रैंकिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरह भारत की 2-0 से फतह भी दोनों टीमों की रैंकिंग पर कोई असर नहीं डाल पाएगी, अलबत्त भारत के 2 पॉइंट्स बढ़ जाएंगे जबकि न्यूजीलैंड के 3 पॉइंट्स कम हो जाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश जबकि न्यूजीलैंड और भारत के माबैन 2 अहम टेस्ट सीरीज के अलावा फरवरी 2020 में तीसरी टेस्ट सीरीज बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के माबैन खेली जाएगी। 1 मैच की इस सीरीज का कोई भी नतीजा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टीमों की पोजीशन पर असरअंदाज नहीं हो पाएगा।